करने के बाद है ना। नहीं सुनिए, तो आज का क्लास में हम रीड करेंगे चैप्टर 37 भेड़िया आया, भेड़िया आया। और जो नाम हम लिखते हैं, गोलू बहुत शरारती लड़का था, गोलू बहुत शरारत लड़का था, वह बात बात में झूठ बोलता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, पर वह माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन की बात है, गोलू जंगल में भेड़ चरा रहा था, अचानक उसे सोता ही वह एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान अपनी अपनी लठियां लेकर दौड़ते हुए आए। फिर क्या हुआ देखेंगे। उनके आने पर गोलू हंसने लगा। जब किसानों ने उससे पूछा कि भेड़िया कहाँ गए, तो हंसकर बोला, अरे मैं तो यूं ही चिल्लाया था। किसानों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुपचाप लौट गए। गोलू कहाँ मानने वाला था। कुछ दिनों बाद उसे फिर वही शरारत सूझी, वह फिर चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। किसान फिर अपनी अपनी लठियां लेकर आए, लेकिन इस बार यहाँ कोई भेड़िया ना था। किसानों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने गोलू को बहुत डांटा और भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी दी। वह गर्दन झुका कर बोला, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। उस दिन ऐसे ही बीत गए। फिर क्या हुआ देखेंगे। एक दिन गोलू जब जंगल में भेड़ चरा रहा था, तो उसने देखा कि सचमुच एक भेड़िया चला आ रहा है। उसके होश उड़ गए। उसने पेड़ पर चढ़कर पुकारा, बचाओ बचाओ, अब की बार सचमुच भेड़िया आ गया है। उस समय किसान खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने समझा गोलू फिर पहले की तरह झूठा शोर मचा रहा है। उन्होंने गोलू की पुकार पर ध्यान नहीं दिया। उधर भेड़िया ने भेड़ों को मारना शुरू कर दिया। अकेला गोलू कुछ न कर सका, उसे झूठ बोलने का फल भुगतना पड़ा। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि झूठ बोलने का फल सदैव बुरा होता है, हमें सदा सच बोलना चाहिए। तो हम ये स्टोरी जो है पढ़ लिए हैं, हिंदी स्टोरी, बहुत अच्छा लगा नहीं। तो हमको सीखना मिलता है ये कि झूठ बोलने का फल सदैव बुरा होता है, हमें सदा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना मत चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोरी। ये स्टोरी को आप घर पर बार बार रीड करना, ठीक है बच्चों। थैंक्स।